हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नसरुद्दीन टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ व्हाट्सएप की सबसे बड़ी समस्या का समाधान। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हम व्हाट्सएप पर 5 से ज्यादा लोगों को मैसेज शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए फ्रेंड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें GB व्हाट्सएप डाउनलोड करके 5 से ज्यादा बंदों को मैसेज शेयर कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड उस पर भी एक समस्या आपको दिखाई दे रही होगी जिन्होंने डाउनलोड किया है कि हम 5 से ज्यादा तो क्या फ्रेंड वो बैन कर दी गई है वो व्हाट्सएप। लेकिन वो आ रहा है फ्रेंड 24 घंटे के लिए और आप उस पर कोई मैसेज वगैरह भी नहीं कर सकते। मेरे सब्सक्राइबर ने काफी मेरे को मैसेज किया, कमेंट किया कि इसका समाधान कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फ्रेंड बताएंगे 100% वर्किंग मेथड। फ्रेंड 256 लोगों को पर्सनल मैसेज बहुत आसानी से हम कर सकते हैं नॉर्मल व्हाट्सएप से जो हम यूज करते हैं, जो हमें व्हाट्सएप पर प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। तो इस वीडियो में फ्रेंड मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से हम 5 से ज्यादा लोगों को पर्सनल मैसेज भेजें। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड इससे हमें थोड़ा सा बूस्टर मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। तो फ्रेंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड क्या करना होगा, आपको अपनी व्हाट्सएप ओपन करनी है। वो व्हाट्सएप फ्रेंड जो नॉर्मल आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है जिस पर आप 5 से ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये राइट में 3 डॉट पर क्लिक करना है फ्रेंड। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है न्यू ब्रॉडकास्ट, दूसरे नंबर पर इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड। अब उन बंदों को आपको सिलेक्ट करना है फ्रेंड जिनको आप मैसेज शेयर कर सकते हैं, जिसको करना चाहते हैं। अब एक बार में 256 बंदों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी फ्रेंड ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, एक लिस्ट है जिसको आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं उन बंदों की। उन बंदों को सिलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड जिनको आप मैसेज करना चाहते हैं आप पर्सनल, उनको सिलेक्ट कर रहा हूं मैं फ्रेंड। ये देखिए और ये आपके लिए एक ऐसा होगा जैसे कि एक ग्रुप है, लेकिन जब हम इसके थ्रू मैसेज उन बंदों को यानी उस लिस्ट में एक बार मैसेज करेंगे तो ये मैसेज उन सभी बंदों के पास जाएगा अलग अलग पर्सनल। देखिए मैं आपको फ्रेंड दिखाऊंगा, ये अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 256 बंदे में इसमें ऐड करूंगा। ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट है फ्रेंड, ये देखिए ये मैं सिलेक्ट कर लिए हैं 256 मैंने बंदे इसमें सिलेक्ट कर लिए हैं फ्रेंड। तो जैसे ही इस पर राइट पर क्लिक करा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फ्रेंड। ये देखिए अब मैं इस लिस्ट में कोई भी मैसेज शेयर करता हूं, सेंड करता हूं तो वो मैसेज उन सभी बंदों के पास जाएगा फ्रेंड और उनको ये पता नहीं लगेगा कि ये मैसेज किसी और के पास भी गया है। मैसेज ऐसे ही जाएगा जैसे कि नॉर्मल हम पर्सनल किसी को सेंड करते हैं, लेकिन आप एक बार मैसेज करेंगे और 256 लोगों के पास ये पर्सनल मैसेज जाएगा। जी फ्रेंड अब अगर वो आपको मैसेज करते हैं तो पर्सनल ही मैसेज आएगा, उस लिस्ट में मैसेज नहीं आएगा। यानी आपने जो ये लिस्ट बनाई है वो केवल आपके फोन में ही शो होगी, उनको पता नहीं लगेगा कि आप वो जो है वो इस लिस्ट में हैं। तो एक साथ आप 256 बंदों को एक साथ इसमें मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लिस्ट का नाम भी रख सकते हैं फ्रेंड। जैसे मैं लिख रहा हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ये देखिए फ्रेंड अब मैंने यहां पर मैसेज सेंड किया, यहां से मैं इसका वॉलपेपर भी चेंज कर सकता हूं फ्रेंड चैटिंग का। देखिए फ्रेंड यहां से मैंने सिलेक्ट किया कलर इस तरह से, कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं फ्रेंड इस लिस्ट में। ये मैं कह रहा हूं बार बार कि ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है फ्रेंड। ये दिखाओ। तो देखिए फ्रेंड यहां मैं एक मैसेज शेयर कर रहा हूं इसमें,
ये लिंक मैंने सेंड की है इसमें अपने YouTube वीडियो की, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेलो। अभी सभी बंदों के पास पर्सनल मैसेज जाएगा फ्रेंड, और हम देखेंगे कि वो रिप्लाई करते हैं तो वो क्या इस लिस्ट में आता है रिप्लाई, या मेरे पास पर्सनल आता है फ्रेंड। अभी देखेंगे फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, जो भी बंदे ऐड थे वो सब इसमें वो रिप्लाई करा उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज, और ये पर्सनली आया है। ये मेरे फ्रेंड जो उसमें लिस्ट में शामिल थे, ऐड थे, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है तो मेरे पास पर्सनल आया। इसका मतलब उनके पास जो मैसेज गया वो पर्सनल ही गया, तभी तो उनको उन्होंने मेरे पास मैसेज पर्सनल किया फ्रेंड। तो इस तरह से हम 256 बंदों को मैसेज कर सकते हैं, और कितने भी ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम बना सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड हमारी जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उसके थ्रू हम पर्सनल मैसेज कर सकते हैं 5 से ज्यादा लोगों को। बस एक बार लिस्ट बना लो किन किन बंदों को हमें भेजना है मैसेज, हम हर किसी को तो नहीं भेजते। उनकी लिस्ट बनाने के बाद हम उस मैसेज को, कोई सी भी वीडियो वगैरह को हम उस लिस्ट में शेयर कर सकते हैं। उनको ऐसा ही लगेगा फ्रेंड जैसे कि ये पर्सनल मैसेज हमारे पास आया है, और उनको ये नहीं लगेगा कि ये कोई सी भी लिस्ट में हम शामिल हैं। हम एक साथ इस लिस्ट में सबका रिप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सबने मेरे को अलग अलग रिप्लाई किया फ्रेंड। देखो मैंने लिखा था हेलो, तो उसका पर्सनल मैसेज आया है फ्रेंड, क्या है ये। तो इस तरीके से फ्रेंड ये देखिए, इस बंदे ने अलग रिप्लाई किया है, मैंने करा था लिस्ट में लेकिन इसको पर्सनल गया फ्रेंड। तो इस तरीके से हम फ्रेंड 5 से ज्यादा यानी 256 बंदों को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके फ्रेंड जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि फ्रेंड हमें अच्छा लगता है और हमें अपनी कमियां दिखाई देती हैं अगर कमेंट आप करते हैं, और शेयर करना इसको ना भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।